पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट ने खारिज की उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय करने की याचिका, हस्तक्षेप से किया इनकार। नमस्कार, मैं हूं रोहित बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप डिजिटल न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सिलेक्ट करें। देखिए चुनाव संबंधित बड़ी खबर। पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रत्याशियों के खर्च सीमा तय करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय करने की याचिका खारिज कर दी है और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस डीके पालीवाल की डिविजनिंग बेंच ने यह याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी कानून बनाने के संबंध में हाईकोर्ट को अधिकार नहीं है। अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। दरअसल नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर PG नाच पांडे व सामाजिक कार्यकर्ता रजत भरगवज ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि हाल ही में निरस्त हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उतरे जिला व जनपद सदस्य व सरपंच पंच के उम्मीदवारों ने लगभग 250 करोड़ रुपए का व्यय किया था, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी बिना लिमिट के खर्च करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंचायत चुनाव में खर्च की अंतिम सीमा निर्धारित नहीं है। वहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर नज़र डालें तो प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित है। यदि पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए दिन प्रतिदिन के चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने की शर्त निर्धारित कर दें तो इस बेवजह खर्च पर रोक लगेगी। याचिका में भी यही कहा गया है कि पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने पार्षद चुनाव में अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है। याचिका में यह भी मांग की गई कि प्रत्याशी रोज के खर्चों को ब्यौरों में पेश करें। इस मामले में युगलपीठ के में मध्य प्रदेश सरकार के विधि तथा पंचायत चुनाव ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा चुनाव आयोग के नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिवक्ता अमित सेठ ने पैरवी की थी। वहीं सोमवार को हुई सुनवाई में युगलपीठ ने साफ कहा कि संबंध में सरकार को निर्णय लेना है, सरकार की पॉलिसी मैटर हम दखल नहीं दे सकते। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इस पर अंतिम सेठ ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट ऐसा कोई कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता। अब वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़ और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।